जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, लाडलो लाडलियो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो के पर। दोस्तों, जैसे ही कल ये भर्ती आई थी, सबसे पहले मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताया था और कई बच्चे उसमें कमेंट करने लगे कि सर आप 80-80 हजार बता रहे थे। देखिए, जो हम बता रहे थे वो न्यूज के आधार पर बता रहे थे। आप सबको उसकी पेपर की कटिंग भी बताई थी, 84 हजार पदों को लेकर न्यूज चल रही थी लगातार। और आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन आई है ना 26,146 पोस्ट की, उसके बाद में भी आज के न्यूज पेपर में वैकेंसी 84 हजार ही बता रखी है। ठीक है, तो ये तो न्यूज पेपर के कारण ऐसा हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछली बार भी एसएससी की पोस्ट इंक्रीज हुई थी, तो क्या इस बार भी पोस्ट इंक्रीज होगी? अभी प्रेजेंट टाइम में पोस्ट आई है 26,146। एक हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि पिछली बार एज में छूट दी गई थी, इस बार बिल्कुल भी नहीं दी गई है। और काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर एज में छूट दी जानी चाहिए, कि एज रिलेशन के लिए भी कुछ करिए। देखिए, एज रिलेशन के लिए थोड़ा बहुत अगर हम ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं तो वो जरूर कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो वो जरूर कर सकते हैं, जब आप चाहोगे तब। आज इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप बताना कि आप चाहते हैं तो जरूर करेंगे, कम से कम एक साल का तो एज रिलेशन मिलना ही चाहिए। रही बात क्या इस बार फिर से पद बढ़ेंगे, देखो लाडलो, मैं आपको पहले कुछ चीज बता दूं। हाँ, सबसे पहले एसएससी जीडी की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किरण पब्लिकेशन की तरफ से पिछले 2019 से लेकर 2023 तक के पूरे जो एसएससी जीडी के पेपर है उनकी बुकें बनाई गई है भाई नहीं। ठीक है, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, सामान्य ज्ञान और हिंदी, इसमें वो क्वेश्चन है जो 2019 से लेकर 2023 तक आए हैं। ठीक है, तो ये बुक आप ले सकते हैं, अभी ये 40% डिस्काउंट पर है अमेजन और फ्लिपकार्ट पर। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है लाडलू, अब देखो पिछली बार जब ये एसएससी जीडी की, ये तो वो नोटिफिकेशन है जो अभी आई है, इसमें आपको कितनी पोस्ट दी गई है, 26,146 पोस्ट इसमें दी गई है। ठीक है, और कितने डिपार्टमेंट में आई है वो भी आप देख लो, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएफ, एसएसएफ। तो इस बार एनसीबी की नहीं आई और एनआईए की पोस्ट भी नहीं आई है। लेकिन इससे पिछले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, ये 2022 में जो पहले नोटिफिकेशन आई थी तो उसमें लाड लो 24,379 पोस्ट पर टोटल वैकेंसी आई थी पिछली बार। लेकिन जब फॉर्म भरने गए तब बीच में एक बार वैकेंसी बढ़ दी गई, क्यों? जब शुरुआत में आई थी ना, देखो इसमें सीआईएसएफ की जो पोस्ट ही नहीं आई थी, ये देखो 100 पोस्ट थी मात्र सीआईएसएफ की जब नोटिफिकेशन आई थी। लेकिन जब बाद में पोस्ट इंक्रीज हुई तब सीआईएसएफ की ये पोस्ट देखो, ये 6,060 पोस्ट हो गई थी, 6,060 पोस्ट, यानी नोटिफिकेशन में दोबारा पिछली बार एसएससी में दो बार पोस्ट बढ़ी थी। तो इस बार भी बढ़ जाएगी, इसलिए आप अपना मनोबल ना गिराए कि सर पोस्ट और वैकेंसी बढ़ेगी, कि कभी भी बढ़ सकती है एसएससी में, और अक्सर ऐसा होता है बढ़ती है। लेकिन अगर नहीं बढ़ती है तो भी 26,146 पोस्ट की वैकेंसी कम नहीं है, काफी बच्चे मनोबल तोड़ रहे अपना। मैं आपको बताऊं, इससे पिछली जो 2021 वाली बढ़ती है ना, वो 25,175 कुछ पोस्टों पर वैकेंसी हुई थी, 25,252 ऐसा कुछ पोस्टों पर वैकेंसी हुई थी। तो उसी प्रकार 26,146 पोस्ट भी खूब है, कम नहीं है। लेकिन पिछली बार दो बार में वैकेंसी बढ़कर 50,000 चली गई थी, लास्ट में 50,187 पोस्ट पर मेरिट निकली थी। तो अगर आप तैयारी करते हैं लाडलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अग्रिम बैच के माध्यम से। ठीक है, और एक चीज और, बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है हर रोज रात शाम 7 बजे कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन पर, वो आप जरूर लगाइए ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका रिजल्ट कैसा है या कैसी आपकी तैयारी है। और अगर आप एकेडमी आना चाहते हैं तो ये हमारे ऑफलाइन बैच का रिजल्ट है लाडलो, एसएससी जीडी 2021 और 2022 का, सॉरी 22 और 23 का, लगभग 135 से प्लस बच्चे क्वालिफाई है। तो अगर आप एकेडमी आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 1 तारीख से नए बैच शुरू होंगे। जय हिंद, जय भारत।